स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आपने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले। तो यहाँ पर है हमारे पास टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें रटना है, किस चीज़ को हमें समझना है, और यही सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के नाम से। देखो, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके नाम को समझो। ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। इसका मतलब तीन साइड का मेजरमेंट। अब तीन साइड किस फिगर में बनती है? भैया ट्रायंगल में बनती है। और बात हमेशा ये याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हमेशा बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर का कोई भी एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री का। और हमें ये बात पता है कि 90 डिग्री का जो भी एंगल होता है और उस एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और इसके जो बगल वाली साइड होती है वो क्या होती है? बेस, और ये होती परपेंडिकुलर। यही तो हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? पाइथागोरस में। बट इस ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपको लेना है एक एंगल, जैसे कि इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, और इसका नाम सी बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास है एंगल सी, तो हमें ना इस फिगर को इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देखो कैसे, ये जो एंगल है, इस एंगल की जो भी साइड आपको दिखेगी सामने, इसके सामने जो भी साइड दिखेगी, या बोलो इसके अपोजिट जो भी साइड दिखेगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी हमारी हमेशा बेस। इतनी बात क्लियर है? और जो ये हाइपोटेन्यूज साइड है ये हमेशा 90 एंगल के अपोजिट रहेगी। ये 90 है और इसके सामने क्या दिख रही है? ये वाली साइड, ये हमेशा कॉमन रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगी। 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। अगर हम लोग बात करते इस वाले एंगल की, ये एंगल की बात करते, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो साइड आपको दिख रही है बी सी, ये बन जाती परपेंडिकुलर, और ये जो साइड दिख रही है ये वाली, इसके बगल वाली, ये हो जाती हमारी बेस। हमेशा याद रखना क्वेश्चन किस एंगल की बात कर रहा है। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी और बगल वाली साइड बनेगी बेस हमेशा। और इस एंगल की बात करोगे तो ये इसके सामने जो भी हमारे पास साइड होगी वो बनेगी परपेंडिकुलर और बगल वाली होगी बेस। बस यही हमें समझना था। बिल्कुल ये जीरो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर समझेंगे। अब बात आती है इसमें फॉर्मूले कैसे आएंगे। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पर आपके पास होगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हम बना देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, और इसे बोल दिया सी, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। 90 के सामने जो भी साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। क्या होगी भैया? हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से कोई एक होगी परपेंडिकुलर और एक इसमें से होगी हमारी बेस, ठीक है। चलो अब इसके फॉर्मूले को पढ़ो। इसके फॉर्मूले को आपको रटना है और रटना ही पड़ेगा। क्या कहा हमने? रटना है, रटना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी फॉर्मूले हम आपको बताएंगे अभी तो आप समझ लो, बट आपको रटना जरूर है इसे, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है साइन थीटा। ये लिखा हुआ है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो थीटा है, इस थीटा का मतलब ये हो रहा है कि क्वेश्चन आपसे एंगल के बारे में कहेगा। अगर आपको ये एंगल लिखना है तो इसकी जगह पे एंगल ये करो, अगर आपको इस एंगल की बात की जा रही है तो एंगल ये लिखो, या फिर कोई इस एंगल की वैल्यू जो भी बताई गई हो वो यहाँ पर लिखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। यहाँ पर है साइन, ये है कॉस, टेन कॉस एक्स सेक कॉट। ये सारे फॉर्मूले को आपको रटना है। कैसे रटना है? इसका बहुत ही इजी तरीका अभी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले देखो साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? हाइपोटेन्यूज। मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा ये वाला एंगल है, ये एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर ये है, बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। तो इसका जो फॉर्मूला होगा साइन थीटा का, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा आपको दिख रहा है, ये है बेस अपॉन एच, एच मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस, बेस अपॉन हो गया हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस सेक हो गया हमारे पास यहाँ पर एच अपॉन पी, और सेक हो गया एच अपॉन बी, कॉट थीटा हो गया हमारे पास बी अपॉन पी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको रटने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिख दिया हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा।
बस इसी हिसाब रट लोगे कैसे। देखो P अपॉन H किस में हो गया, साइन में, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन, साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या था, B अपॉन H, ये हो गया B अपॉन H, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर P अपॉन B, ये हो गया हमारे पास टेन, ये हो गया हमारे पास थीटा, बन गया ना। अब यहाँ पर आ जाओ उल्टा चलो, ये है हमारे पास H अपॉन P, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा हो गया H अपॉन P, उल्टा करना पड़ेगा बाबा आपको। अब यहाँ पर है सेक हो गया आपके पास H अपॉन यहाँ पर B। अब आपके पास आ गया कॉट लास्ट में, ये है कॉट, तो कॉट हो गया हमारे पास, ये हो गया B अपॉन P। बस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस ऐसे दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लो और इसे रट लो। बस ऊपर साइन कॉस टेन, नीचे कॉसेक सेक कॉट, बस हमें ये फॉर्मूले याद हो गए। कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने रट लिया ना। अब इसके आगे आ जाओ, तो आपको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो रटना तो पड़ेगा ही, घोल के पीना पड़ेगा। अब आ जाओ नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि दिख रहा है आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। ये जो फॉर्मूले ना, इन फॉर्मूले को भी आपको घोल के पीना है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। अब इसको याद कर लोगे ना, ये खुद याद हो जाएगा। देखो साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec है, तो ये cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन sin हो गया। यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा है, ये sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा हो गया, ये tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा है, और ये हो गया cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। अब इसी का थोड़ा सा चेंजमेंट देख लो, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास cosec थीटा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं sin थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास cosec थीटा इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा। अब इस तरीके से भी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, हमेशा याद रखना, फॉर्मूले से भी फॉर्मूला बनाया जाता है, जैसे कि अभी हमने बताया। तो एक और नए फॉर्मूले को यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सभी को रटो, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूले आपने देख लिया, समझ लिया। आगे देखो, इन फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताएंगे, बाकी सब आपको रटना है। देखो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको 20% सिर्फ समझना है, ठीक है, 30% आपको रटना पड़ेगा, बचे हुए 50% आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है ट्रिग्नोमेट्री से, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लेके चल दिया ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी से भी आसान लगेगी। तो चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, तो देखो यहाँ पर हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी, एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनके फॉर्मूले देखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन। इसको एक बार देखो, साइन है यहाँ पर कॉस है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस है तो भैया यहाँ पर साइन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का यहाँ पर कॉट है, तो यहाँ पर देखो कॉट का क्या है टेन है, यहाँ पर कॉसेक का सेक है तो सेक का क्या है कॉस है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेना है, और आपको ये याद कर लेना, ये तीन याद कर लोगे तो ये अपने आप इसी का उल्टा कर दोगे तो काम हो जाएगा। बट आपको हर एक को याद करना है, आपसे पूछ लिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, आपके दिमाग में तुरंत है कॉस थीटा, ऐसे याद करना है। आपसे कहा जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा, या फिर कहा जाए सेक 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत बताओ भैया कॉसेक का होता है सेक, और सेक का होता है कॉसेक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो अब आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल पर, जो कि हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इसको भी रटना आपको ज़रूरी है। इसको आप इस तरीके से रटो कि आपसे कहते भैया साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, तो आप तुरंत बताओ 1/2। अगर आपसे पूछ लेता है कॉस 45 की वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है 1/√2। और अगर आपसे कहता है भैया टेन 90 की वैल्यू क्या है, तो कहते हो नॉट डिफाइन। कुछ इस तरीके से आपको इसको रटना है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, देखो साइन थीटा
आपसे कहा जाएगा साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, और साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। इस तरीके से आपको वैल्यू को रटना है। अब साइन का ही उल्टा हो जाता है कॉस, जैसे कि यहां पर 91 था तो 01 हो गया, यहां पर 60√3/2 था तो यहां पर 30√3/2 हो गया, 45 1/√2 है, 45 1/√2 ही है, ये 31/2 है तो यहां पर 60 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। अब इधर ही से उल्टा पकड़ते चले जाओ और लिखते चले जाओ, साइन को याद कर लोगे तो कॉस आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 10 की बात करते हैं, 10 में है 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइन, 10 को आप याद कर लोगे तो आपको cot अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 जो हमारे पास 90 डिग्री है इसमें है नॉट डिफाइन, तो cot 90 डिग्री में है नॉट डिफाइन। वैसे ही 10 हमारे पास 60 डिग्री में √3 है, 10 30 पे है √3, 10 हमारे पास 45 में 1 है तो यहाँ पर cot 45 में भी 1 है, और यहाँ पर 10 1/√3 है 30 पर, 1/√3 है यहाँ पर 60 पर, उसी तरीके से 90 पर है 0, क्लियर है। और जैसे कि यहाँ पर कॉसेक दिख रहा है, यहाँ पर सेक दिख रहा है, इसका भी आपको वैसे ही याद करना है, कॉसेक होता है नॉट डिफाइन 2√2 और 2/√3 1, और इसी का उल्टा कर दोगे तो 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइन। तो आपको करना क्या है, साइन को याद कर लेना है, 10 को याद कर लेना है और कॉसेक को याद कर लेना, बस अब उसी का उल्टा कर देना। बट आपको याद कुछ इस तरीके से करना है कि आपसे हम पूछ ले भैया सेक 45 की वैल्यू क्या है, तो तुरंत आप बताओ √2, ये ना सोचो कि उसका उल्टा क्या है इसका उल्टा क्या है। अगर इस तरीके से सोचने लगोगे और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भैया बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको करना ही करना है। अब आ जाओ इसके लास्ट, जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा गीला हो गया पसीने से, तो इसको समझ लो, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीनों फॉर्मूले को भी आपको रटना है। तो आई होप आप सब ये समझ गए हैं आपको करना क्या है। देखो ये पूरी जो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की आपको मिलने वाली है ये सब बेस्ड है फॉर्मूले पे। जितने अच्छे से आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, जितने अच्छे से आप रट लोगे, दिमाग में रखोगे, क्योंकि हर एक स्टेप पे ना, हर एक स्टेप पे, हर एक क्वेश्चन पे, हर एक स्टेप पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, जो कि होगी 8.1, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ हम लोग RS अग्रवाल को भी सॉल्व करेंगे, और सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।